निधन हो गया है। वो पिछले 2 हफ्ते से बीमार चल रहे थे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आरजेडी से राज्यसभा सांसद रहे वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का निधन हो गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि पिछले 2 हफ्ते से वो बीमार चल रहे थे, अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे और 95 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने आज अंतिम सांसें ली हैं। आपको बता दें कि आज शाम लोधी रोड स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो पिछले 2 हफ्ते से बीमार थे। आपको बता दें कि देश के वरिष्ठ वकीलों में राम जेठमलानी का नाम सबसे ऊपर आता था। उसके बाद आरजेडी से वो मौजूदा राज्यसभा सांसद भी थे, देश के पूर्व कानून मंत्री भी रह चुके हैं राम जेठमलानी, और 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। पिछले 2 हफ्ते से वो लगातार बीमार चल रहे थे और इसी के साथ तमाम बड़े चेहरों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमित शाह उनके घर पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने, इसी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उनके घर पहुंचेंगे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने। आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील थे इस देश के राम जेठमलानी, कई विवादित केस उन्होंने लड़े हैं, जिसमें से इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस एक है, उसके बाद हाजी मस्तान डॉन का केस उन्होंने लड़ा है। ये तमाम ऐसे कुछ विवादित केस रहे हैं जिनमें राम जेठमलानी ने जिन केसेस को लड़ा है। राजनेता भी वो रहे हैं, पूर्व कानून मंत्री भी रहे हैं देश के, और 2 हफ्ते से वो बीमार चल रहे थे। 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज लोधी रोड स्थित शमशान घाट में शाम को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और 2 तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। राम जेठमलानी देश के वरिष्ठ वकील, राजनेता, एक दिग्गज नेताओं में उनका नाम शुमार था, उनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको देश के गृहमंत्री की दिखा रहे हैं, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने अमित शाह पहुंचे हुए थे। इसी के साथ श्रद्धांजलि उन्हें सब तरफ से दी जा रही है। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत में उन्होंने आपराधिक कानून को एक नया रूप दिया था, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है आपराधिक कानून को एक नया रूप देने में स्वतंत्रता के बाद से। और इसी को लेकर तमाम प्रक्रियाओं का दौर भी अब शुरू हो गया है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए। सरकार थी उस समय, लालू जी ने ये किया कि राष्ट्रपति से नॉमिनेट करवाया उन्होंने राज्यसभा में, हमको लगता है कि शायद 2006 की बात होगी, 2006 में राष्ट्रपति ने उनको नॉमिनेट किया था राज्यसभा में। तो इस ढंग से बहुत ही शानदार व्यक्तित्व वाले आदमी थे, हमेशा वो याद मैंने किए रहेंगे। उनके दो दो एक बेटा और एक बेटी जो है वकालत के क्षेत्र में है, महेश जेठमलानी और रानी जेठमलानी, दोनों काफ़ी नोन वकील हैं, तो हम उनके स्मृति को सलाम करते हैं। गौमूत्र का इस्तेमाल करेंगे दवाई बनाने में, कैंसर की दवा बनाने में, ठीक है, तो उसमें तो लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। देश के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं राम जेठमलानी और 95 साल की उम्र में उन्होंने लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांसें ली हैं। आज शाम उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शमशान घाट में किया जाएगा। आपको बता दें कि कानून से जुड़े लोगों के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से कानून को लेकर उनका जो विशाल ज्ञान था वो अतुलनीय है, और इसी वजह से कानून से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। साथ ही एक राजनेता भी रहे हैं, राजनीतिक सलाहकार के तौर पर भी एक अपूर्णीय क्षति देश के लिए ये रही है। तो 95 साल की उम्र में राम जेठमलानी ने अंतिम सांसें ली हैं, राज्यसभा सांसद थे मौजूदा आरजेडी से, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे राजस्थान की ओर। अजमेर के पुष्कर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन